Captain Abhilasha Bharat is the first woman officer to join the Army Aviation Corps as an aviator. She stands posted to 2072 US Flight. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धादिच और आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स। दोस्तों, भारतीय सेना को आज आर्मी एविएशन कोर्प्स के रूप में पहली महिला अधिकारी मिली है, कैप्टन अभिलाषा बराक। यह कारनामा करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय सेना के अनुसार अभिलाषा ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसके बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में उन्हें आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिलाषा को 36 सेना पायलट के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। सेना ने बताया कि 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन केवल 2 अधिकारियां ही पायलट एटीट्यूड बैटरी टेस्ट और मेडिकल के बाद चयन हो पाया। दोस्तों, आपको यहां बता दें कि साल 2018 में वायु सेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कौन है कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है। इस मुकाम तक पहुँचने वाली वो पहली महिला अधिकारी है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें इसमें शामिल किया गया है। अभिलाषा बराक को डायरेक्टर जनरल और कर्नल कमांडेड आर्मी एविएशन द्वारा 36 आर्मी पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कैप्टन अभिलाषा बराक हरियाणा की रहने वाली है और उन्हें सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में कमीशन मिला था। कैप्टन अभिलाषा बराक रिटायर्ड कर्नल एस ओम सिंह की बेटी है। आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने से पहले कैप्टन अभिलाषा ने कई प्रोफेशनल मिलिट्री कोर्स भी किए हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दी ऑफिसर्स के साथ। जय हिंद।